आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट। ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, एवं एव विकारः अपि तरुणः साध्यते सुखम, यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुआत में ही निपटना चाहिए, बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और आज पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है। भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वायरस ने दुनिया को कैद कर दिया है। ये ज्ञान, विज्ञान, गरीब, संपन्न, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुनौती दे रहा है। ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा है, न ही ये कोई क्षेत्र देखता है, और न ही कोई मौसम। ये वायरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जिद उठाकर बैठा है, और इसलिए सभी लोगों को, पूरी मानव जाति को इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी, आज ये सब पछता रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं,
खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की है, उनका उत्साह भी बढ़ाया है और उनसे बातें करके मेरा भी उत्साह बढ़ा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात में ऐसे साथियों के अनुभव, उनसे हुई बातचीत, उसमें से कुछ बातें आपसे साझा करूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे श्री राम गंपा तेजा जी, वैसे तो वो आईटी प्रोफेशनल है, आइए उनके अनुभव सुनते हैं। यस राम नमस्ते जी। हाँ राम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं। हाँ जी जरूर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए, आप इस सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था। मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉई हूँ, काम के वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए। वहाँ पे जाने अनजाने ऐसे हो गया था, वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गए थे जी। तो 5-6 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और था पॉजिटिव आ गया था। तब गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे एडमिट किए थे मुझे। और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं और डिस्चार्ज हो गया था। तो थोड़ा डरावना था ये सब। यानी जब आपको संक्रमण का पता चला, हाँ और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत भयंकर है और तकलीफ कर हाँ रहा है, तो हाँ जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था आपका? पहले तो बहुत डर गया था, पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था। क्योंकि इंडिया में किसी को, 2-3 लोगों को आया था तब, तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे मुझे, क्वारंटीन में रखे थे, तब तो पहले 2-3 दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज जो है ना, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। हर दिन मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे बात करते रहते थे। दिन में 2-3 बार डॉक्टर बात करते थे, नर्स भी बात करते थे। तो पहले जब डर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, वो उनको पता है क्या करना है, एंड आई विल गेट बेटर, ऐसे ही लगा था। परिवार के लोगों की मनस्थिति क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज़्यादा अटेंशन वो सब था। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव आ गया था। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सबके लिए जो हमारे आसपास थे। उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे परिवार को भी। आपने स्वयं ने क्या क्या सावधानियां रखी, आपने परिवार की क्या सावधानियां रखी? परिवार के लिए तो पहले उसके बारे में जब पता चला, तब तो मैं क्वारंटीन भी था। लेकिन क्वारंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताए थे कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना, और सेल्फ और हाउस क्वारंटीन रखने के लिए बोले थे। तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे रूम में ही रहता हूँ ज़्यादा तक, मास्क रखे ही रहता हूँ दिन भर। जो जब भी बाहर खाने के लिए कुछ होगा, हैंड वॉशिंग, वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए राम, आप स्वस्थ होकर के आए हैं, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका ये अनुभव, आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं, तो ऑडियो बना करके लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सोशल मीडिया में वायरल कीजिए, तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, एट द सेम टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूँ सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के जैसे जो सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सबको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्वारंटीन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए ही है। तो उसके बारे में ज्यादा तक लोग को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ, क्वारंटीन मतलब डरना मत, होम क्वारंटीन भी मतलब वो कुछ स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। चलिए राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। साथियों, जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आशंका होने के बाद डॉक्टरों ने दिए, इसी का परिणाम है कि आज वो स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया है, और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फंस गया था, नौजवान बेटा भी फंस गया था।
आइए आगरा के श्रीमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं। अशोक जी नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा सौभाग्य है जी आपसे बात हो रही है। चलिए हमारा भी सौभाग्य है। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फंसा था, जी 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 तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जी आपको ये समस्या, ये संक्रमण का पता कैसे चला, क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, जी ताकि मैं आपकी बात सुन करके अगर कोई चीजें देश को बताने जैसी होगी तो मैं जी उसका जी उपयोग करूंगा। बिल्कुल सर। ऐसा सर कि मेरे दो बेटे हैं, ये इटली गए थे, वहां पर फेयर था शूज का, हम यहाँ जूते का काम करते हैं, फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहां गए थे इटली फेयर पे। जब ये वापस आए ना तो हमारा दामाद भी गया था, तो वो दिल्ली रहते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो हॉस्पिटल चले गए राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने उनको पॉजिटिव बताया तो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सफदरजंग। हमको वहां से फोन आया कि आप भी उनके साथ गए थे, आप टेस्ट कराए, तो दोनों बेचे चले गए टेस्ट कराने यही आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने इनको बोला कि आप अपने परिवार को भी बुला ले, कहीं कोई ऐसी बात ना हो। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, वो हम सब गए तो नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि आपके छह जने जो हैं, मेरे दोनों बेटे, मैं, मेरी वाइफ, मैं अब सर 73 ईयर ओल्ड हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रैंड सन, वो 16 साल का है, तो हम छह का उन्होंने पॉजिटिव बताया, तो उन्होंने कहा आपको दिल्ली ले जाना है जी। हम सर डरे नहीं, हमने ठीक है अच्छा पता लग गया, हम लोग दिल्ली वहाँ चले गए सफदरजंग हॉस्पिटल। ये आगरे वालों ने भेजा, उन्होंने दो हमको एम्बुलेंस दी, कोई चार्ज नहीं किया, इनकी बड़ी मेहरबानी है आगरे के डॉक्टर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और पूरा इन्होंने हमें सहयोग किया। एम्बुलेंस से आए आप? हाँ जी एम्बुलेंस से, ठीक ठाक थे, बैठ के जैसे एज यूजुअल बैठ के आते हैं। हमको उन्होंने दो एम्बुलेंस दे दी, संग में डॉक्टर भी थे, और हमको इन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल छोड़ दिया। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऑलरेडी वो खड़े थे वहां पर गेट पे, तो उन्होंने हमको जो वार्ड था वहां हमको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हम छह को उन्होंने अलग अलग रूम दिया, अच्छे रूम थे, सब कुछ था। तो सर हम फिर 14 दिन वहाँ हॉस्पिटल में अकेले रहते थे, और डॉक्टरों का जहाँ तक बात है बहुत सहयोग रहा जी, बड़ा अच्छा हमको उन्होंने ट्रीट किया, चाहे स्टाफ हो, वो एक्चुअली वो अपनी ड्रेस पहन के आते थे ना सर, पता नहीं चलता था कि ये डॉक्टर है या वार्ड बॉय है या नर्स है, वो जो कहते थे हम मान लेते थे। बहरहाल हमको किसी तरह की भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। आपका आत्मविश्वास भी बड़ा मजबूत दिखता है जी सर। आई एम परफेक्ट। हाँ जी हाँ। और मैंने तो बल्कि सर अपने घुटनों का भी ऑपरेशन कराया हुआ है, एवर देन आई एम परफेक्ट। नहीं लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सबको आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया। तो पेपर था सर, आईसीएससी के पेपर थे ना, तो उसका पेपर था, हमने नहीं दिए पेपर, हमने देखी जाएंगे बाद में, ये तो जिंदगी रहेगी तो सब पेपर हो जाएंगे। वैसा ही बात है। आज चलिए आपका अनुभव इसमें काम आया, पूरे परिवार को विश्वास भी दिलाए, हिम्मत भी दिलाई जी। हमने पूरे परिवार को गए, एक दूसरे का वहाँ सहारा रहा, मिलते नहीं थे, फोन पे बात कर लेते थे, मिलते मिलते नहीं थे, और डॉक्टरों ने पूरी हमारी केयर की जितनी होनी चाहिए, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया, और स्टाफ नर्सेस जो थी उन्होंने पूरा हमको सहयोग दिया है सर। चलिए मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, बड़े खुश है कि आपसे मेरी बात हो गई है। नहीं हम भी जो बात भी सर हमारे लिए कोई किसी तरह की मतलब अवेयरनेस के लिए कि ज्यादा हो कुछ करना हो, हम हर वक्त तैयार हैं। नहीं आप अपने तरीके से आगरा में करिए, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, गरीब की चिंता कीजिए और नियमों का लोग पालन करें, लोगों को समझाइए कि आपका परिवार इस बीमारी में फंसा था लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाया। सब लोग अगर नियमों का पालन करें तो देश बच जाएगा। हमने सर मोदी सर कि हमने अवला वीडियो वगैरह ही बना के ना चैनल्स में दिया है, अच्छा, इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस रहे, और चैनल वालों ने दिखाया भी है। हाँ सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिए जी जी। और हाँ, हमने अपनी कॉलोनी में जहाँ रहते हैं साफ सुथरी कॉलोनी है, हाँ, सबको हमने कह दिया देखो जी हम आ गए हैं तो आप डरे नहीं, हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम है जाके टेस्ट कराए, हाँ, और जो लोग हमारे संग जो मिले होंगे जो सब टेस्ट कराए सब ईश्वर की दया से ठीक रहे जी सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं सबको। साथियों
हम अशोक जी और उनके परिवार की दीर्घायु की कामना करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि पैनिक हुए बिना, डरे बिना, समय पर सही कदम उठाना, समय पर डॉक्टरों से संपर्क करना और उचित सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं। साथियों, हम मेडिकल स्तर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं, इसके अनुभव जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ति में मोर्चा संभाले हुए हैं। रोजमर्रा की उनकी गतिविधि इन्हीं पेशेंटों के साथ पड़ती है। आइए, हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नीतीश गुप्ता जुड़े हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते सर। नमस्ते नीतीश जी, आप तो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूड कैसा है, क्या है जरा। सबका मूड अपबीट है, आपका आशीर्वाद सबके साथ है। आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को, जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं, आप सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बॉर्डर पे लड़ी रहती है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं। और हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए। आपकी बात सही है, ये युद्ध जैसा स्थिति है और आप ही सब मोर्चा संभाले बैठे हो। हाँ जी सर। आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी। हाँ जी सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि मरीज एकदम सुन के एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो उनको समझाना होता है कुछ नहीं है, अगले 14 दिन में आप ठीक होंगे, आप घर जाएंगे बिल्कुल। तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर भेज चुके हैं। जब बात करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है आपके सामने, जब डरे हुए लोग हैं तो उनकी चिंता क्या सताती है। तो उनको यही लगता है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा। ये तो बिल्कुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाहर लोग इतने एक्सपायर हो रहे हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। पर हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी। आपका केस बहुत माइल्ड वाला है, नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है। तो जैसे वो ठीक हो जाता है, 5-7 दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर हम आपके टेस्ट करेंगे, जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर भेज सकते हैं। और हम इसीलिए उनकी बार बार हर 2-3-4 घंटे में उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। उनको सहूलियत होती है पूरे दिन में, तो ही उनको अच्छा लगता है। उनका आत्मविश्वास बन जाता है, शुरू में तो डर जाते हैं। शुरू में डर जाते हैं, बट जब हम समझाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन तक जब वो खुद ठीक होने लगते हैं, तो उन्हें भी लगता है हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन सभी डॉक्टरों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके जिम्मे आया है, ये भाव बनता है सबको। हाँ जी सर, बिल्कुल बनता है। हम अपनी टीम को बिल्कुल प्रोत्साहित करके रखते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे, मरीज को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है, तो सब चीजें ठीक रहेंगी। चलिए डॉक्टर, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट भी आते हैं और आप बिल्कुल जी जान से लगे हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपके साथ हूँ, लड़ाई लड़ते रहे। आपका आशीर्वाद रहे, यही हम चाहते बहुत शुभकामनाएं भैया। हैं सब। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। नितेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अवश्य विजयी होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने साथियों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दुनिया का अनुभव बताता है कि इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अचानक बढ़ती है। अचानक होने वाली इस वृद्धि की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा को जवाब देते हुए देखा है। भारत में ये स्थिति न आए, इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है। एक और डॉक्टर हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं, श्रीमान डॉक्टर बोर से। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर, आप तो बिल्कुल एक जनसेवा प्रभु सेवा के मिजाज से काम में लगे हैं, तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो देशवासियों के लिए आपके संदेश चाहिए। एक तो बोलिए सर। अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि कब हाँ हाँ डॉक्टर से संपर्क करना है और कब उनको कोरोना का टेस्ट कराना है, एक डॉक्टर के हाँ हाँ नाते। और आप तो पूरी तरह अपने आप को इस कोरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपकी बात में बहुत ताकत है, तो मैं सुनना चाहता हूं। सर जी, मैं यहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज पूना है, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। और हमारे पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है, नायडू हॉस्पिटल करके, वहाँ पे जनवरी 2020 से वो स्क्रीनिंग सेंटर चालू हो गया है। वहाँ पे आज तक 16 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस निकले हैं सर।
और वो 16 COVID-19 पेशेंट जो निकले हैं उसमें से हमने ट्रीटमेंट देके उनको क्वारंटाइन करके आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट देके 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है सर। और जो अभी बाकी 9 केसेस है दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। दो भी वो वायरस बॉडी में होते हुए भी दे आर गेटिंग वेल, दे आर रिकवरिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस। और अभी यहाँ पे जो सैंपल साइज तो वैसे छोटा है सर, 16 केसेस ही है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है और यंग पॉपुलेशन अफेक्ट होते हुए भी जो डिसीज है वो ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है सर, वो माइल्ड डिसीज है और वो पेशेंट लोग काफी अच्छे हो रहे सर। और अभी ये जो 9 लोग बाकी है वहाँ पे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल, दे आर नॉट गोइंग टू डिटेरियरेट, वी आर कीपिंग वॉच ऑन देम ऑन डेली बेसिस, लेकिन दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल इन कमिंग 4-5 डेज। जो लोग हमारे यहाँ सस्पेक्ट करके आते हैं इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है और जो कॉन्टेक्ट में आए हैं ऐसे लोगों का सर हम स्वैब ले रहे हैं, नेजल फेरेंजियल स्वैब ले रहे हैं, नेजल स्वैब ले रहे हैं, और नेजल स्वैब का रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव निकला है तो हम पॉजिटिव वार्ड में एडमिट कर रहे हैं, और नेगेटिव अगर निकला तो उनको होम क्वारंटाइन का संदेश देके कैसा लेना है होम क्वारंटाइन, क्या करना है होम को जाके, ये एडवाइस करके हम उनको घर पे भेज रहे हैं। उसमें क्या समझाते हैं आप, घर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप जरा बताइए सर। एक तो अगर होम में भी रहे तो होम में भी क्वारंटाइन आपको करना है, 6 फीट डिस्टेंस कम से कम तो आपको रखना है, ये पहली बात। दूसरी बात, उनको मास्क यूज करना है और बार बार हाथ साफ करना है। अगर आपके पास सैनिटाइजेशन नहीं है फिर भी अपना सादा सिंपल साबुन से और पानी से हाथ साफ करना है, वो भी बार बार साफ करना है। और जब आपको खांसी आएगी, स्नीजिंग होगा, तो आप सादा रुमाल लगा के उसके ऊपर खांसी करना है, सो दैट वो जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट ज्यादा दूर तक नहीं जाए और जमीन पे ना गिरे। और जमीन पे ना गिरने की वजह से वो अगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा, ये समझा रहे हैं सर। दूसरी बात समझा रहे हैं कि दे आर सपोज टू बी देयर एज अ होम क्वारंटाइन, दे आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द होम। अभी तो लॉकडाउन हो गया है, इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर सपोज टू बी लॉकडाउन, बट दे आर सपोज टू बी होम क्वारंटाइन ऑल्सो प्रॉपरली फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज के लिए हम क्वारंटाइन उनको सूचित कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं हम। चलिए डॉक्टर, आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समर्पण भाव से कर रहे हो और आपकी पूरी टीम लगी है। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आए हैं सब सुरक्षित होकर के अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगों की मदद से। और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, ये लड़ाई जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आपको, धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सर। साथियों, हमारे ये तमाम साथी आपको, पूरे देश को इस संकट से बाहर निकालने में जुटे हैं। ये जो बातें हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग, तपस्या, समर्पण देख रहा हूं तो मुझे आचार्य चरक की कही हुई बात याद आती है। आचार्य चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटीक बात कही है और वो आज हमारे डॉक्टरों के जीवन में हम देख रहे हैं। आचार्य चरक ने कहा है, न आत्मार्थम न अपि कर्मार्थम अतभूत दयाम प्रति वर्तते यत चिकित्सायाम स सर्वम इति वर्तते। यानी धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। साथियों, मानवता से भरी हुई हर नर्स को आज मैं नमन करता हूं। आप सभी जिस सेवा भाव के साथ कार्य करते हैं वो अतुलनीय है। ये भी संयोग है कि इस वर्ष यानी 2020 को पूरा विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर मना रहा है। इसका संबंध 200 वर्ष पूर्व 1820 में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मानव सेवा को, नर्सिंग को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बनकर के आया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इम्तिहान में न सिर्फ सफल होगी बल्कि अनेकों जीवन भी बचाएगी। आप जैसे तमाम साथियों के हौसले और जज्बे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं।
आप जैसे साथी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल, आशा, एनएम कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी हो, आपके स्वास्थ्य की भी देश को बहुत चिंता है। इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाख साथियों के लिए 50 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा सरकार ने की है, ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेतृत्व कर सके। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं और इस परिस्थिति में भी सबसे आगे खड़े हैं। मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर बेंगलुरु के निरंजन सुधाकर हेबाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं। ये बात सही भी है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलती रहती है। आप कल्पना करिए कि एक दिन आपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचानक कट जाए, तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। जरा आप अपने पड़ोस में मौजूद छोटी परचून की दुकान के बारे में सोचिए। आज के इस कठिन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है। आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आपको जरूरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स, उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं, ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने देखा होगा, बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्टर के हमारे लोग पूरे लगन से, पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को संभालते हैं, आपकी सेवा में मौजूद है। आज के समय सेवा छोटी नहीं है। उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बड़ी संख्या में हमारे साथी ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलीवरी पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लोग इस कठिन दौर में भी ग्रोसरीज की डिलीवरी देने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं, घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको सुचारू रखने के लिए कोई न कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है। इस दौरान आप में से अधिकांश लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को संभाले हुए हैं। आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, उनके साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस। ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वायरस के संभवित पीड़ित भर है। इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है। यहाँ तक कि वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लौट करके आए हैं और दोहरी सावधानी बरत रहे हैं। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, तो उनके साथ खराब व्यवहार करना कहीं से भी जायज नहीं है, बल्कि उनके साथ सहानुभूति पूर्वक सहयोग करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंट्रैक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में
नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। मैं फिर कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। कोटा से यशवर्धन ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं, किचन में नई नई डिशेज बना रहे हैं। जबलपुर की निरुपमा हर्षई जी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है। यही नहीं, वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही है। वहीं रायपुर के परीक्षित, गुरुग्राम के आर्यमन और झारखंड के सूरज जी का पोस्ट पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई रीयूनियन करने की चर्चा की है। उनका ये आइडिया काफी रोचक है। हो सकता है कि आपको भी दशकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करने का मौका न मिला हो, आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए। भुवनेश्वर के प्रत्युष और कोलकाता की वसुधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए थे। सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालकर रियाज करना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको संगीत का आनंद तो मिलेगा ही, पुरानी यादें भी ताजा हो उठेगी। यानी मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आप अपने पैशन से भी जुड़ पाएंगे। आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा अवसर मिलेगा। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूँ, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आपको अपने भीतर झोंकने के लिए अवसर भी दिया है। ये मौका है, बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। जहाँ तक नवरात्रि के उपवास की बात है, ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विषय है। जहाँ तक फिटनेस की बात है, मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा। नरेंद्र मोदी ऐप पर आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूँ, संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ और न ही मैं योगा टीचर हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाए। साथियों, कोरोना के खिलाफ ये युद्ध अभूतपूर्व भी है और चुनौतीपूर्ण भी, इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतिहास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारतवासियों ने उठाए हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोरोना महामारी पर जीत दिलाएंगे। एक एक भारतीय का संयम और संकल्प ही हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगा। साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाएं और अधिक तीव्र होनी चाहिए। हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भर भी कोई गरीब, दुखी, भूखा नजर आता है, तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे, उसका जरूरत की चिंता करेंगे। और ये हिंदुस्तान कर सकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है, लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी
अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें ये जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मन की बात के लिए फिर अगले महीने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को मात करने में हम सफल हो भी जाएं, इसी एक कल्पना के साथ, इसी एक शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।